everybody. How are you? So good to see you. Dheeraj, Anjali, Disha, Mansi, Rita, Bhalirao. Good morning. Prachi, Nazneen, Tanya, Satyam, Archana, Manisha, Mahalingam. Hello everybody. How are you? Hamari morning to ho chuki hai. Early morning. What about you? How are you guys doing? This is going to be a life-changing lecture for you, let me tell you. A lecture which can redefine your studies. Jo bacha hua time hai, this one lecture can truly, truly, truly help you achieve so much more. So good morning. Give me your next 15 minutes of attention. Give me your next 15 minutes of full energy, and I promise it to you that next 7 months, 6.5 months, you will be able to give full energy and full josh. Yes? अगले 6-6.5 महीने में आपको जो बता रही हूँ, अगर आप वैसा ही करते चलोगे, I can promise you that your life will change. Is that clear? So are you ready to know the secret? देखो बेटा, secret कुछ नहीं है. मैंने कुछ बहुत basic फंडामेंटल चीजों पे रिसर्च किया है. जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूं आज, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी आप हिमालय की चोटी पे चलिए और एक महीना योगा करके आइए, यस मेडिटेशन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट दिस दैट बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीजें हैं, क्योंकि हम इतने सालों से रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं. आज टेस्ट है आप लोगों का, तो हम क्या करते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट That we tend to forget भी नहीं, हम कुछ बहुत बेसिक चीजों को ओवरलुक कर देते हैं. कुछ इतनी छोटी बातें हैं आज की क्लास में. आप कहोगे यार मैम या क्या, ये तो मुझे पता है, ये मम्मी यही बोलती है, पापा भी यही बोलते हैं, बड़े बहन भाई भी यही बोलते हैं, प्रितेश सर भी यही बोलते हैं. यस, यही चीजें हैं, पर फिर भी इन बेसिक चीजों को हम ओवरलुक कर देते हैं. अगर आप, और ये कोई मुश्किल चीज नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप घर से जाइए, आप रात को 2 बजे उठिए, सुबह 4 बजे उठो, आंखें मलो, नहीं. आज की क्लास में मैं आपको बहुत छोटी चीजें, वेरी स्मॉल थिंग्स विच यू कैन चेंज इन योर डेली लाइफ, यू कैन चेंज इट फ्रॉम टुडे 11:30. चेंज इट फ्रॉम टुडे 11:30 एंड सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ. दैट्स माई प्रॉमिस. Do these small things in the Telegram group after 1 week. Give me a feedback. अगर आपका performance level इधर है, ये क्या हो गया, चलिए इसको देख लीजिए. अगर आपका performance level इधर है, तो अगले संडे तक, ये मेरा आपसे वादा है, आपका performance level इधर होगा. Do you want it? अगर आज आपका performance level इधर है, जो मैं points बताऊंगी उन पॉइंट्स की वजह से अगले हफ्ते आपका परफॉर्मेंस लेवल इधर होगा. यस, इधर से इधर. एक हफ्ते में कितने बच्चों को जाना है वो अगले 10 मिनट का लेक्चर देखे बस. इधर से इधर कितने बच्चों को जाना है सिर्फ एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में. और कोई हिमालय की चोटी पर नहीं चढ़ना है, कोई माउंट किलिमंजारो में नहीं चढ़ना है, कोई घर छोड़कर बाहर नहीं जाना है, कोई रात के 2 बजे तक नहीं पढ़ना है, कोई सुबह 3 बजे उठ के आंखें नहीं मलनी है. सो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ज्यादा सिंपल लेक्चर. जो पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगी वो आपको पता है, पर आप उन पॉइंट्स को नजरअंदाज कर रहे हो. यस, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, वी आर अ ह्यूज फैमिली ऑफ 2000 एंड मोर पीपल नाउ. प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस विद आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक इज फ्लैश्ड राइट हियर. एंड this is the team which is also working on a Sunday, right? They are also working on a Sunday. So make sure you like, share and subscribe. Point number one of how to sleep less and study more. Lighted. अगर आप अंधेरे कमरे में पढ़ते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नासा की रिसर्च नहीं कर रहे हम. हमने क्लास 12th में नीट का एग्जाम क्लियर करना है अपने कमरे में. इससे ज्यादा अगर कोई चीज हेल्प करती है तो मैं आपको बता देती. स्टडी लैम्प प्लीज आज अमेजोन पे जाओ, मेरी सिर्फ एक बात मानो, और अमेजोन पे जाके एक 300 रुपए का ही लैम्प ऑर्डर कर दो. पर जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपके कमरे में स्टडी लैम्प है, मैं आपको बता नहीं सकती हूं इससे फोकस पे कितना फर्क पड़ता है. अपने टेबल को, एक टेबल लो प्लीज,
इसको बिल्कुल क्लीन रखो. जब आप बायो पढ़ रहे हो, बेसिक चीजें बता रही हूं, जब आप बायो पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की बुक को बाहर फेंक दो, कमरे से बाहर कर दो फिजिक्स की बुक को. जब आप बायो पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की बुक को रख दो. आप कैसे पढ़ते हो बताओ, आप कैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, सामने केमिस्ट्री की बुक पढ़ी होती है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सामने फिजिक्स की बुक पढ़ी होती है, ध्यान फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री की बुक दिख जाती है, ध्यान सारा केमिस्ट्री में चला जाता है. पढ़ बायो रहे हो, सामने फिजिक्स की बुक पढ़ी है, यस, और बैक स्ट्रेट रखो पढ़ते हुए, इतना फर्क पड़ता है. आप पढ़ते हो ऐसे 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 आराम से बैठ के, मैं आपको बता नहीं सकती हूं इन छोटी छोटी चीजों से कितना फर्क पड़ता है. When you keep your back straight, the amount of oxygen which is going to the brain increases and your alertness increases. ये मैं कोई आपको अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, यहां पे मैं कोई रॉकेट साइंस की क्लास नहीं ले रही हूं. हम मंगलायन चंद्रायन लॉन्च नहीं कर रहे, हम विक्रम लैंडर को ढूंढने नहीं जा रहे हैं. हमने एक एग्जाम क्लियर करना है जिसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट्स दे रही हूं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइटिंग, क्योंकि अगर आप अंधेरे कमरे में कोने में बैठ के पढ़ोगे तो आपका जो आउटपुट है वो 500% से ज्यादा गिर जाएगा. और अगर आप स्टडी लैंप लगाकर लाइटिंग वाले रूम में पढ़ोगे, और सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, अगले साल एग्जाम क्लियर करना है, यस, अगले साल एग्जाम क्लियर करना है कि नहीं, कि उसके अगले साल एक और साल बैठना है. और अगर आप सिर्फ 300 रुपए का अमेज़न से मंगा लीजिए एक स्टडी लैंप, टेबल को अनक्लटर्ड रखिए. बायो पढ़ रहे हो, सिर्फ बायो पढ़िए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक वहां पे मत रखिए. देखना कितना फर्क पड़ता है. अगर आपको बैक पेन है, कितने बच्चों को बैक पेन होती है, सर्वाइकल होता है, होता है या नहीं, यस या नो करो. मैंने कितने बच्चों को बैक पेन की दवाइयां दी हैं, यस करो, चलो चलो यस करो. होता है, मैम मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रही है, मैम मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है, आउटपुट कम हो जाता है. कम ऑन, ये बेसिक चीजें सीखनी है यार. 6 महीने की लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है. हम मार्च अप्रैल में नहीं है, हम अक्टूबर में है, 6 महीने की लड़ाई शुरू हुई है. एक छोटा पिल्लो लो, कोई टीचर नहीं बताएगा ये बातें आपको. एक छोटा सा पिल्लो लो और प्लीज उस हार्ट बटन पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो करो करो. आपको हमारी जरूरत है और हमें आपकी जरूरत है. तो प्लीज एक पिल्लो रख के बैठो, करेक्ट, स्ट्रेट रखो. ऐसे बैठोगे तो बॉडी एक करेगी, आउटपुट कम होगा. इज इट क्लियर? आईज बर्न होती हैं, मुझे पता है. आई एक नॉर्मल विदाउट एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लेकर आओ और हर थोड़ी देर बाद आई ड्रॉप्स लगाओ. कुकुम्बर के स्लाइस करो, 1 घंटे बाद कुकुम्बर के स्लाइसेस आईज पे लगाओ. बहुत इन छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है. प्लीज सुबह उठ के, मुझे पता है आप, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मुझे पता है कितना पॉल्यूशन है बैंगलोर में. सुबह खिड़की खोलो तो कोई चिड़िया की आवाज सुनाई नहीं देती है, पर गाड़ियों की आवाज आती है. पर आप जहां भी हो, थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेना बहुत जरूरी है. ये जो फ्रेशनेस है, ये आईज को सूद करेगी, ये ब्रेन को रीवायर करेगी. बेटा इन बातों को छोटा छोटा मत समझना. यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो यूपीएससी के टॉपर, एम्स के टॉपर, नीट के टॉपर ध्यान रखते हैं. ये मत सोचना फ्रेश एयर है, मैम तो कुछ भी बोल रही है. अगर मैं आपको आज एक काल कोठरी में बंद कर दूंगी और अगर मैं आपको एक अच्छे खुले हवादार लाइट वाले कमरे में बैठ के पढ़ाऊंगी, आपके और उस काल कोठरी वाले में जमीन आसमान का ऑप्शन होगा. पढ़ते तो सब हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एमटीजी सबने पढ़ ली, अरिहंत सबने पढ़ाई कर ली, पर दीज आर द डिफरेंसेस विच मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अरिहंत सबके पास है, सब कोई खरीद सकता है अमेज़न से. ये छोटी छोटी बातें जो बहुत ज्यादा डिफरेंस डालती हैं. सो प्लीज अगर आपके घर में छत है, एक आई ड्रॉप्स आते हैं आई टोन करके, बिल्कुल इनमें मेडिकेशन नहीं होती, ये बहुत अच्छे हैं. मेरे को भी चश्मा लगा हुआ है, मैं दिन में 10-10 घंटे की क्लासेस लेती हूं, मेरी आईज में बहुत दर्द होती है. यस, अराउंड 50 रुपीज से कम के हैं, सिर्फ 47 रुपीज के हैं. ये आईटोन आई ड्रॉप्स लीजिए और इनको सोने से पहले अपनी आईज में डालिए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. सिट ऑन अ चेयर प्लीज. ये बात आपके मम्मी पापा ने, आपकी टीचर्स में कितनी बार आपको बोला होगा, जो बच्चा बेड पे पढ़ाई कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बना रहा है. ही इज मेकिंग अ फूल ऑफ
her or himself. अगर पढ़ाई बेड पे होने लगी होती तो हम सब टॉपर बन चुके होते. नो सॉफ्ट सिटिंग, नो सॉफ्ट सिटिंग. बेटा ये कोई मैं यहां पे आपको बहुत बड़ा बड़ा रॉकेट साइंस की बातें नहीं बता रही हूं, बेसिक बातें बता रही हूं, पर ये बेसिक बातें आपकी लाइफ बदल सकती हैं. बेड पे आप पढ़ाई करते करते 5 मिनट में थोड़ा और फाइनली कंबल मुंह के ऊपर और सो जाओगे. नो सोफा. आप लोग मैम सोफे पे बैठ जाए, नहीं मैम दीवान पे बैठ जाते हैं. दीवान पे पढ़ाई होती है? मम्मी किचन में खाना बना रही है, 6 महीने बचे हैं सिर्फ, मम्मी किचन में खाना बना रही है. छोटी छोटी बातें हैं पर हैं बड़ी मोटी मोटी. मम्मी किचन में खाना बना रही है, बाहर बहन भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैठ जाओ डाइनिंग टेबल पे. मैं आज डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ाई करूंगी. हर 5 मिनट बाद कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लगेगा. याद रखो सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, सिर्फ 6 महीने बाकी हैं. जमीन पर बैठ के पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर जमीन पर बैठ के भी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है. पर अगर आपको लगता है यस, नीचे कोई आप गद्दा रख दो, नीचे छोटा सा एक मैट रख दो राइट, और उस पर बैठो, बहुत अच्छा है. पर अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हो, मम्मी किचन में खाना बना रही है, बहन भाई खेल रहे हैं, दादा दादी खाऊ खाऊ कर रहे हैं, और आप डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, सोफे पे बैठ गए, दीवान पे बैठ गए, और ये कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये नहीं बोलेगा कि चेयर पे बैठ के पढ़ो राइट. हमने टाइम टेबल भी बनवा दिया, मैंने आपका टाइम टेबल भी बनवा दिया, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट भी करवा दिया. पर अगर आपने यही नहीं सीखा, यस पढ़ाते तो सब है पर सिखाने का काम सिर्फ वी बायोटॉनिक का है राइट. पढ़ाने वाले तो बहुत चैनल है, ये है तरीका सीखने का जो सिर्फ और सिर्फ वी बायोटॉनिक कर रहा है. प्लीज बच्चों उस हार्ट बटन पे क्लिक करो, आगे चलते हैं. ये देखो मैं सिर्फ 1 घंटे में वापस आती हूँ, आज बर्गर किंग जाके आते हैं. यस 1 घंटे में, मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ, आज पिज्जा खा के आते हैं. जब मैं क्लास 10th 11th 12th में थी तो मुझे गोभी मंचूरियन बहुत पसंद था करेक्ट, और मैं बहुत गोभी मंचूरियन खाती थी, और गोभी मंचूरियन खाकर वापस आकर ये पढ़ाई तो गई काम से. यस इज इट क्लियर. सारा दिन गोभी मंचूरियन, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में गोभी मंचूरियन खा सकती थी मैं. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो ये नहीं अवॉइड, स्पेशली ड्यूरिंग डिनर. खाना भी है तो आप लंच में कभी बाहर चले जाओ फ्रेंड्स के साथ, ओनली हेल्दी फूड. बेटा उससे इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है मैं आपको बता नहीं सकती. आप 7 PM अगर अपना डिनर कर लो, कितने बच्चे जो कहते हैं मेरे को रात को नींद आती है पढ़ाई नहीं होती, 9 बजे के बाद मुझे नींद आना लग जाती है, येस और नो? तो अगर आप अपना डिनर, ये बहुत छोटे पॉइंट्स है बेटा, जो भी एम्स के टॉपर होते हैं, जो भी नीट के टॉपर होते हैं, जो भी IIT के टॉपर पढ़ाकू बच्चे होते हैं, जो टॉप करेंगे वो ये करेंगे ही. रात को आप कोशिश करो कि आप खिचड़ी खाओ, मम्मी को बोलो, मॉम डैड के साथ रहते हो ना, राइस थोड़ा कम करो रात को राइट, दलिया वगैरह कुछ खाओ. आप रोटी सब्जी खाओ, राइस को कम करो, रोटी सब्जी खाओ, और 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले खाओ. बहुत ज्यादा लाइट डिनर करो, कोशिश करो 7 PM से पहले आपका डिनर खत्म हो जाए. हॉस्टल में हो तो भी रात को रोटी सब्जी खाओ, 7 PM से पहले 7:30 डिनर कर लो, आराम से आप 11:30 तक पढ़ सकते हो. इनफैक्ट 10:30 11 बजे आपको भूख लगने लगेगी, तो आपको खाली पेट पढ़ाई ज्यादा होगी. इज इट क्लियर? नो बटर नो घी करेक्ट. रात के टाइम, दिन के टाइम घी खाओ ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स भी बने रहें. रात को हैवी खाना नहीं खाना, बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है. अगर आपकी बॉडी में वाटर का अमाउंट कम होगा आपके सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, और जब आपके सेल्स श्रिंक करेंगे तो बट ऑब्वियसली आपके एनर्जी लेवल्स भी कम हैं, क्योंकि जो डिहाइड्रेटेड सेल्स होते हैं, एक सेल है उसमें वाटर नहीं है तो उसकी एंजाइम्स भी काम नहीं करती. एंजाइम्स को काम, हर चीज साइंटिफिक है, एंजाइम्स को काम करने के लिए वाटर की जरूरत होती है.
तो अगर वाटर नहीं है एंजाइम्स काम नहीं करेंगी, और अगर एंजाइम्स काम नहीं कर रही है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एंजाइम काम नहीं कर रही है, एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं होगी. सो प्लीज अपना कंटिन्यूस पानी सिप करते रहो. अपने पास आमंड्स रखो, पीनट, मूंगफली, बादाम साइड में रखो. चिप्स नहीं खाने, नाचोस नहीं खाने हैं, चिप्स नहीं खाने हैं. करेक्ट, तभी पढ़ाई होगी रात के 2-2 बजे तक. देखो बेटा, आप बॉडी को जो भी आदत डालो वो आदत बॉडी 20 या 21 दिन में सीख जाती है. आप जो भी आदत डालो सुबह के टाइम, अब मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन देती हूं. हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं. ये पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में सिरकाडियन रिदम करता है. सिरकाडियन रिदम का मतलब होता है सुबह उठना, अर्ली टू राइज, राइट. और ये करता है थ्रू हार्मोन नोन एज सर्टोनिन एंड मेलेटोनिन, लिख देते हैं यहां. तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ना, ये नाइट टाइम में बढ़ जाता है. नाइट टाइम, ये साइंटिफिक है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आता है. पीनियल ग्लैंड सर्कैडियन रिदम करता है, मेलेटोनिन नाइट को बढ़ जाता है. मेलेटोनिन हार्मोन आपकी आईज को कंस्ट्रिक्ट करता है, मेलेटोनिन हार्मोन आपकी ब्लड सप्लाई को कम करता है, मेलेटोनिन हार्मोन आपको सुलाता है. आपका जो वेकफुलनेस होता है, वेकफुलनेस, उठे हुए हो, दिमाग चल रहा है, वेकफुलनेस इसको कम करता है. तो जो कॉन्सेप्ट आपको रात को पढ़ने में 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट्स लगेंगे आपको रात को, मान लो 11:30 बजे अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको दिन में शायद मॉर्निंग, आप मान लो 6 AM, 4 बजे भी नहीं करते हम, 6 AM में वही कॉन्सेप्ट करने में आपको शायद 15 मिनट्स लगेंगे. क्योंकि ये मेलेटोनिन नाइट में बढ़ता है और डे में कम हो जाता है. सुबह 2 या 3 बजे से ये कम होना शुरू हो जाता है और 5 या 6 बजे तक ये बिल्कुल कम हो जाता है. तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक स्टडीज हेल्दी, फोकस्ड एंड वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी भी 6 महीने हैं, अभी भी हम अपनी आदत को बदल सकते हैं. इसको कहते हैं सिएस्टा. ये सारे साइंटिफिक फिनोमिनन्स हैं, इसको कहते हैं सिएस्टा, इसको कहते हैं पावर नैप. अगर आप किसी भी बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, किसी भी सीईओ से मिलोगे तो वो कहेगा, अगर ये नहीं है 12 बजे सो गए, दोपहर को 1 बजे सोए, शाम को 5 बजे उठ गए, ये नहीं है, ये होगा सिर्फ आपके 15 to 20 minutes के लिए. ये आपकी, ये 15 to 20 minutes इज इक्वल टू 6 hours. ये जापानीज थ्योरी है, जापानीज थ्योरी, जापानीज इसको प्रैक्टिस करते हैं पावर नैप. तो सिर्फ 20 मिनट सोना है और 20 मिनट में आपकी बॉडी 6 घंटे जितना रिजुविनेट हो जाएगी. बेटा मैं बार बार कह रही हूं, यहां पे मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, यहां पे मैंने कोई PhD करके आपको ऐसा भारी कॉन्सेप्ट नहीं दिया है. रात के 3 बजे तक पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा सो, सुबह 4 बजे फिर उठो, ऐसा नहीं करना, पागल नहीं होना है. हमें सीट चाहिए, हमें अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोना है. मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला रात के 2 बजे तक पढ़ो, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाओ, सुबह 4 बजे उठो, ऐसा नहीं है. मैंने आपको बहुत प्रोफेशनल, बहुत साइंटिफिक तरीके दिए. सुबह टाइम से उठो, विंडो ओपन रखो, टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो, स्टडी लैंप लेकर आओ, अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को समझो, लाइट खाना खाओ, अर्ली डिनर खाओ, दोपहर को 15 या 20 मिनट सो. इन चीजों को प्लीज एक पेपर पे लिखो. सुनने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करने से होगा. हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? सुनने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करने से होगा. ये कुछ बहुत बेसिक चीजें वेदांतो आपके लिए ढूंढ के लाया है. प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल स्पीकर्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीस चार्ज करते हैं यही बात बोलने के लिए. आप किसी प्रोफेशनल स्पीकर के पास जाइए, आप किसी काउंसलर के पास जाइए, आपको यही बातें बोलेंगे. प्रोफेशनल स्पीकर आपको यह नहीं बताएंगे कि
कैसे इसरो ने लॉकेट लॉन्च किया, यही बातें बोलेंगे और इसके लिए आपसे 10,000 15,000 एक सेशन का ले लेंगे। हम ये चीजें संडे के दिन आपको सुबह फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको रैंक दिलाएंगी, पर इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप योर बॉडी पार्ट्स अलर्ट एंड अवेक। थोड़ी थोड़ी देर बाद उठो, वॉक करने जाओ। आपको पता है कई बार वो झुनझुनाहट होती है, हर बार फील होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ के बैक दर्द हो रही है, सर्वाइकल हो रहा है, झुनझुनाहट हो रही है, होती है ना झुनझुनाहट, यस और नो, डॉट 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 पैरों में होता है कितना। तो लिसन टू योर बॉडी व्हेन योर बॉडी इज टेलिंग यू दैट आई एम टायर्ड। और बेटा आपका एक दिन का कितना भी टाइम टेबल बचाओ, कितना भी टाइम टेबल बचाओ, पूरी प्रिक्स एंड नीडल सेंसेशन होती है। यस, कई बार आधे सर में हेडेक होता है, आईज से वॉटरिंग शुरू हो जाती है। ये वाले बच्चे मुझे कितनी कंप्लेन कर चुके, मैम यहां दर्द हो रही है, क्या करें मैम यहां दर्द हो रही है। लिसन टू योर बॉडी व्हेन योर बॉडी इज डिमांडिंग दैट यू स्लीप। 477 स्टूडेंट्स नेहा, that's okay. Yes, I'm sure they're all of you lovers. For that, I'm eternally grateful to you. Yes, thank you so much for our entire team. I know you lovers. I know you support us and I know you will follow this. Just make sure you also like, share and subscribe. Yes, तो you are stressed और कितनी बार होता है कि सर फट जाता है, आपको सामने वाले को मारने पीटने का मन करता है, आप बैठ के पढ़ रहे हो, मम्मी फिर आके बोल रही है कि तुम पढ़, तो when your body is giving up, मम्मी पापा आके बोल रहे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और आप पढ़ रहे हो पर आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। योर ब्रेन इज रेडी टू एक्सप्लोड। आई नो इट हैपन्स, इट हैज हैपन्ड विद मी ऑल्सो, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम जर्नी एज यू हैव गॉन, एंड दैट इज व्हाई आई नो योर पेन, आई नो योर पेन बिकॉज I have also gone through the same journey a few years ago, and that is the reason I want to teach, because I want to make sure ki jo problems maine kabhi face ki thi wo aap log face na karo. Yes everybody, so that is why I'm telling you, please also listen to your body. When your body is telling you that you must rest, when your body is telling you that you must wait, listen to your body. कुछ नहीं होता, एक दिन का टाइम टेबल पीछे रह गया, no problem. Rest for some time. It's very important. And most important is बेटा, किसी को जब आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है ना, आपका दिमाग एकदम बर्स्ट होने वाला है। मुझे पता है 6 महीने में आपके साथ 600 बार होगा दैट योर ब्रेन इज अबाउट टू बर्स्ट। बस आपका मन करता है बस करो, मम्मी मेरे से बात मत करे, पापा मेरे से बात मत करे, कोई मेरे से बात मत करे, बस मुझे अकेले छोड़ दो। अकेले कहीं जाओ, शांति से बैठो, कोई फनी वीडियो देख लो। यस, प्रीतेश ने बड़े प्यारे प्यारे फनी वीडियोस बनाए थे। और अगर कुछ भी करने का मन नहीं करे ना, तो जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो। मैं बता रही हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। रीड आउट अलाउड, यस, रीड आउट अलाउड, अपने मन से, अपने आप, थोड़ी देर बाद। और बेटा देखो, जब भी मन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए ना, उसके बाद हम हमेशा पछताते हैं, किसी को कुछ बोलने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है कि हमने इनको क्यों ऐसा बोल दिया। थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, छोड़ दो, वॉक करने निकल जाओ, सड़क पे चल जाओ, रीड आउट अलाउड, यस, जोर से अपने आप से बात करना शुरू कर दो और छोड़ दो। कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, सब अच्छे के लिए हो रहा है, आपके साथ अच्छा ही होगा, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चों के साथ अच्छा ही होगा, टेंशन नहीं लेनी। कोई भी चीज आपकी हेल्थ, आपके मेंटल बैलेंस, आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? कोई भी चीज आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आप हो, आपकी लाइफ है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो मेडिकल कॉलेज में जाकर क्या करोगे? अगर आपका मेंटल बैलेंस ही बिगड़ गया तो मेडिकल कॉलेज में जाकर क्या करोगे? कितने बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, कितने बच्चे हैं जो डिप्रेस्ड है, जो अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट आप हो, आप सेल्फिश बन जाओ, अपना सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हो बच्चों। अगर आप ही घबरा गए, आपकी लाइफ ही आपके हाथों से निकल गई, तो क्या फायदा इस पढ़ाई का, राइट? तो अपने बारे में सोचो, अपना ध्यान रखो, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिख लिख कर पढ़ो,
लिखने से बहुत फर्क पड़ता है. कितनी बार होते हैं हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखकर करनी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लिखकर करने हैं, ये तो आपको पता ही है. स्टडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स एट नाइट नहीं करना, ऐसी शक्ल हो जाएगी. कितने लोगों की शक्ल ऐसी होती है रात को? कितने लोग ऐसे होते हैं इस सिचुएशन में? एक और दिन. कितने लोग एक एक दिन करके काट रहे हैं, एक एक दिन? बेटा ये आपकी लाइफ है, दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइफ. God has given you such an amazing life. You are bright boys and girls. अपनी आंखें बंद करो, आपको क्या नजर आता है? हजारों करोड़ों सपने. कितने सपने लेके आप आए हो, कितने सपने आप पाना चाह रहे हो? Yes, पढ़ाई को enjoy करो, इतना मुश्किल नहीं है यार. एक नीट का एग्जाम ही तो है, इतना मुश्किल थोड़ी ना है. Yes, बट enjoy करो, मजे से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, हो जाएगा. हम हैं ना आपको पढ़ाने के लिए, क्यों टेंशन लेते हो जब तक हम हैं? Yes, अपने को ट्रबल मत करो. 15-15 घंटे पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ. मैं फील कर पा रही हूं आप कितने बॉटल्ड अप हो, इसीलिए कभी कभी आप ऐसे निकाल देते हो सब कुछ. जैसे ही वो बॉटल खुलेंगे फिज की, तो वो बॉटल से कैसे फिज निकलती है? रिलैक्स करो, सब हो जाएगा. हर हफ्ते मिलेंगे, 2-3 दिन बाद आकर मैं आपको और कोई स्ट्रैटेजीज और कोई ट्रिक्स करूंगी. डोंट वरी, रिलैक्स रहो. आज संडे थोड़ा एंजॉय करो, दिवाली का दिन आ रहा है, थोड़ा रिलैक्स करो, एंजॉय करो, पर अच्छे से पढ़ो. जितना पढ़ो स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. डन. तो ये रहा हमारा प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप, और ये रही हमारी एक सुंदर सी टीम. अपने पे गर्व महसूस करो, फील करो कि पूरा यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर पूरा एक यूनिवर्स है. मैं अकेला या अकेली सब चीजों से लड़ सकती हूं. यस, प्लीज फील दैट यू अलोन आर द इंटायर यूनिवर्स एंड मच 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 मोर. यू आर स्पेशल, यू हैव ड्रीम्स, यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट. फील दैट and all your stress and tension will evaporate. With that, I would like to take your leave. Please make sure that you like, share and subscribe to our amazing channel if you like today's video. Your support really means a lot to us. Bye, my dear kids. Feel the love flowing from V Biotonic to you. If there is anything we can do for you, make sure you let us know and we will do it. Lots of love. Please click on that and make sure you hit the like, share and subscribe button. Bye!